नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन पर। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि UPPCL के जो ऑफिस असिस्टेंट के भी एडमिट कार्ड आ चुके हैं और जो एग्ज़ाम है आपके 22 सितंबर से स्टार्ट हो रहे हैं, तो इस पर्पज़ से मैंने इंग्लिश को प्रिपेयर करवाने के लिए मैंने एक यहाँ पर सीरीज फिर से चलाई है और जिसमें हम एंटोनिम, सिनोनिम और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आप लोगों को डिस्कस करेंगे। इसमें 20 क्वेश्चंस की मैं यहाँ पर क्विज प्रिपेयर करूँगा जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर इस वीडियो सेशन में सिनोनिम्स डिस्कस करूँगा, उसके बाद आपको फिर ये भी आज ही आपको एंटोनिम्स और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का भी वीडियो यहाँ पर मिल जाएगा। इस प्रकार से जो हमारे 10-11 दिन बचे हुए हैं, इन 11 दिनों में लगभग 200 क्वेश्चन एंटोनिम के, 200 क्वेश्चन सिनोनिम के और 200 क्वेश्चन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के यहाँ पर हम इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो सेशन। तो आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे सिनोनिम्स भाग वन, ठीक है, पार्ट वन इसमें डिस्कस करेंगे। इसी तरह से पार्ट टू, पार्ट थ्री और पार्ट टेन तक हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, उसके आगे भी डिस्कस करेंगे। जिन लोगों का 22 को है वो पार्ट टेन तक ही उसका बेनिफिट ले पाएंगे, लेकिन जिन लोगों का आगे है वो आगे भी ले पाएंगे, लेकिन इसमें मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करूँगा। तो पार्ट वन यानी कि भाग वन आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं भाग वन। दोस्तों, आज का जो पहला क्वेश्चन यहाँ पर है तो वो है क्रूसेड। दोस्तों, यहाँ पर बता दूँ कि अगर मैंने प्रोनंसिएशन में कुछ मिस्टेक सीखी तो आप इसको इग्नोर करिएगा, आप क्वेश्चन को देखने समझने की कोशिश करिएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर क्रूसेड का मतलब क्या होता है? क्रूसेड का मतलब होता है जिहाद, धर्म युद्ध करना, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमारा कौन सा यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाएगा? तो कैंपेन, मतलब कि ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। कैंपेन का मतलब होता है किसी मुहिम या आंदोलन, इस तरह से चीज़ें आपका निकल कर आती हैं। दोस्तों, यहाँ पर कुछ और अगर हम बात करते हैं सिनोनिम की ऐसे, तो आपका हो जाता है होली वार, वारफेयर हो जाता है, जिहाद हो जाता है। ये सारे के सारे क्रूसेड के यहाँ पर सिनोनिम्स निकल कर आ जाते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, जो हमारा यहाँ पर अगला क्वेश्चन है वो है कंसॉर्ट। कंसॉर्ट का मतलब होता है, कंसॉर्ट का मतलब आपका अगर देखें यहाँ पर हिंदी, इसका मतलब निकल कर आता है साथ रहना या संग रहना, या आप कह सकते हैं पति पत्नी ये भी साथ रहते हैं, सहपाठी होते हैं, संग रहते हैं, तो इस प्रकार से यहाँ पर अगर हम ऑप्शन की बात करें तो कौन सा सही आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी यानी कि पार्टनर, यहाँ पर क्या सही हो जाएगा? पार्टनर। कुछ और अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो स्पाउस, जैसे आप जानते होते हैं, ये भी इसका सिनोनिम हो जाता है। और अगर हम यहाँ देखें मेट भी इसका सिनोनिम हो जाता है, MATE मेट। और अगर हम कुछ और यहाँ पर बात करते हैं तो आपका कंपेनियन भी सिनोनिम हो जाता है, COMPANION। तो ये भी इसके यहाँ पर कुछ सिनोनिम्स हो जाते हैं। तो इस प्रकार से आंसर हमारा यहाँ पर कौन सा सही हो जाता है? ऑप्शन नंबर फोर यानी कि कंसॉर्ट, मतलब होता है पति पत्नी साथ रहना, संग रहना, ये इस, तो इस प्रकार से ऑप्शन आपका डी सही आंसर हो जाता है। अगर दोस्तों जो क्वेश्चन हमारा है तो है कॉम्प्लेसेंट। कॉम्प्लेसेंट मीन्स क्या होता है? तो दोस्तों, कॉम्प्लेसेंट का मतलब होता है असावधान, उदासीन या आत्मसंतुष्ट, इसका भी एक मीनिंग निकल कर आता है। कॉम्प्लेसेंट का मतलब होता है आत्मसंतुष्ट, भी इसका एक सिनोनिम्स निकल कर आता है दोस्तों, हिंदी निकल कर आता है। तो जब आत्मसंतुष्ट की बात यहाँ पर की गई है तो आपका आंसर यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा इसका सिनोनिम? तो ये हो जाएगा आपका सेटिस्फाइड, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाता है। सेटिस्फाइड मतलब कि संतुष्ट या तृप्त। इसे कुछ और अगर हम सिनोनिम की बात करें तो आपका हो जाता है कंटेंटेड। क्या हो जाता है? कंटेंटेड। अगर कुछ और यहाँ पर देखें तो हो जाएगा आपका डॉशिल। डॉशिल भी इसका एक सिनोनिम हो जाता है। और देखें यहाँ पर तो एक हो जाता है कंफर्टेबल, भी इसका एक सिनोनिम हो जाता है। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही आपका आंसर हो जाता है, सेटिस्फाइड। और मैंने बताया यहाँ पर कंटेंटेड और डॉशिल, इस तरह के बीच कुछ इसके सिनोनिम निकल कर आ जाते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो अगला दोस्तों जो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है तो वह है क्यूरियस। क्यूरियस का देखिए सिनोनिम यहाँ पर क्या हो जाता है? क्यूरियस के मतलब तो आप सभी लोग जानते होंगे, क्यूरियस का मतलब होता है उत्सुक, जाने समझने या पढ़ने का उत्सुक। तो इस प्रकार से आपका क्यूरियस का मतलब हो जाता है इनक्विसिटिव, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर यहाँ पर हो जाता है। इनक्विसिटिव की मतलब भी यहाँ पर आपका होता है जिज्ञासु, दूसरों के मामले में कौतूहल रखने वाला इनक्विसिटिव का मतलब होता है। दोस्तों, यहाँ पर इसके और अगर कुछ हम सिनोनिम्स की अगर बात करते हैं तो आपका क्वेश्चनिंग भी एक सिनोनिम हो जाता है। क्या हो जाता है? क्वेश्चनिंग भी एक सिनोनिम निकल कर आ जाता है। और अगर हम यहाँ पर देखें तो आपका क्वेरिंग भी सिनोनिम निकल कर आता है, क्वेरी करना जैसे होता है ना, तो क्वेरिंग भी इसका सिनोनिम हो जाता है। और अगर हम देखें यहाँ पर तो आपका इनक्वायरिंग भी सिनोनिम हो जाता है। क्या हो जाता है? इनक्वायरिंग।
तो इस प्रकार से कुछ और सिनोनिम हो जाते हैं और आंसर आपका यहाँ पर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी यानी कि इनक्विसिटिव। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट दोस्तों जो हमारा क्वेश्चन यहाँ पर है तो वह है कैंडिड। कैंडिड का मतलब दोस्तों होता है स्पष्ट या स्पष्टवादी, निष्कपट, सरल। तो इस प्रकार से कैंडिड का यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी कैंडिड का, सॉरी ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाता है ऑनेस्ट। मतलब कि इस ऑनेस्ट व्यक्ति भी क्या होता है, स्पष्ट होता है, सरल होता है, ईमानदार होता है, सच्चा होता है। तो इस प्रकार से कैंडिड का मैंने क्या बताया कि कैंडिड का होता है स्पष्ट या सरल, तो इसका ऑनेस्ट आपका यहाँ पर सिनोनिम निकल कर आ जाता है। अगर हम और भी इसके सिनोनिम्स की यहाँ पर बात करते हैं तो आपका फोर्थनाइट हो जाता है, ट्रूथफुल हो जाता है, इनजेनुअस हो जाता है, ये सारे के सारे इसके आपके सिनोनिम्स आपके हो जाते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला दोस्तों जो क्वेश्चन हमारा है तो वो है कमेंसुरेट। तो दोस्तों कमेंसुरेट का मतलब आपका क्या होता है, कमेंसुरेट मीन्स होता है उचित अनुपात में या उपयुक्त। तो दोस्तों कमेंसुरेट मतलब उचित अनुपात में, अनुपयुक्त, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा प्रोपोर्शनेट यानी कि समानुपात। क्या हो जाएगा, समानुपात, प्रोपोर्शनेट। तो यहाँ पर कुछ और अगर हम इसके सिनोनिम की बात करते हैं तो आपका हो जाता है एडेक्वेट यानी कि पर्याप्त मात्रा में, इक्विवेलेंट या एप्रोप्रिएट, ये भी सारे इसके कुछ आपके सिनोनिम्स निकल कर आ जाते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है तो कोर्स। कोर्स का मतलब होता है, कोर्स का मतलब होता है दोस्तों खुरदरा, स्थूल या असभ्य, ये भी एक होता है कोर्स का मतलब। तो देखिए यहाँ पर खुरदरा की बात की गई है कोर्स का मतलब, तो आपका आंसर यहाँ पर सी सही हो जाता है रफ, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर क्या हो जाता है, सही आंसर हो जाता है। यानी कि आप इसके अगर सिनोनिम्स देखें तो रग्ड भी हो जाता है, अनपॉलिश्ड भी इसका सिनोनिम हो जाता है, इस तरह से कुछ और इसके सिनोनिम्स निकल कर आ जाते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट दोस्तों जो हमारा क्वेश्चन है तो वह है क्लैंडेस्टाइन। जो क्लैंडेस्टाइन है इसका मतलब यहाँ पर क्या होता है, क्लैंडेस्टाइन का मतलब, तो दोस्तों जो क्लैंडेस्टाइन होता है इसका मतलब आपका होता है गुप्त या प्रक्षण। तो जब यहाँ पर गुप्त की बात की गई है तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, सही ऑप्शन नंबर ए यानी कि सीक्रेट, क्या सही हो जाएगा, सीक्रेट। तो यहाँ पर अगर हम इसके सिनोनिम की बात करते हैं और भी कुछ एक दो सिनोनिम देखते हैं तो आपका हो जाता है कवर्ड यानी कि ढका हुआ, कंसील, छिपा हुआ भी हो जाता है, हिडन भी हो जाएगा इसका सिनोनिम्स। तो इस प्रकार से कुछ इसके सिनोनिम्स निकल कर हो आ जाते हैं। अगला बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट दोस्तों जो हमारा क्वेश्चन है वो है कॉम्प्रिहेंसिव। तो कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब क्या होता है, कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब होता है व्यापक, विस्तृत, और इसका और भी कुशाग्र बुद्धि के रूप में भी इसका यूज किया जाता है। तो व्यापक विस्तृत की यहाँ पर बात की गई है तो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाता है इंक्लूसिव। इंक्लूसिव का मतलब होता है सबको सम्मिलित करने वाला, तो ये भी एक प्रकार से व्यापक के सेंस में यूज किया जाता है। तो इस प्रकार से आंसर नंबर आपका बी सही आंसर यहाँ पर हो जाता है। नेक्स्ट अगर यहाँ पर कुछ देखते हैं तो जैसे कि इनसाइक्लोपेडिक भी इसका आपका सिनोनिम्स होता है और एक्सटेंसिव भी इसके सिनोनिम्स हो जाता है। तो इस प्रकार से ये इसके कुछ सिनोनिम्स और हो जाते हैं। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है तो वह है कंपैशनेट मीन्स क्या होता है। तो कंपैशनेट मीन्स होता है दयालु या सदैव, कंपैशनेट इसका होता है दयालु या सदैव। तो इसका दोस्तों क्या हो जाएगा, आप यहाँ पर देखिए जो ऑप्शन आपको दिख रहे हैं तो सबसे बेस्ट सुइटेबल आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यानी कि सिंपैथेटिक, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाता है। सिंपैथेटिक मतलब होता है हमदर्द या सहृदय। तो इसके कुछ और भी अगर हम यहाँ पर सिनोनिम की बात करते हैं तो आपका काइंड हार्टेड भी हो जाता है, ह्यूमैन भी हो जाता है, और केयरिंग भी इसका सिनोनिम यहाँ पर निकल कर आ जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट दोस्तों जो क्वेश्चन है हमारा तो वह है कैमूफ्लेग। कैमूफ्लेग का मतलब दोस्तों होता है कैमूफ्लेग का मतलब होता है व्यक्ति, वस्तु विशेष, युद्ध में तोपों आदि के स्वरूप को छिपाने या ढकने का तरीका, सत्य को छिपाने का प्रयास, कैमूफ्लेग का मतलब होता है। तो जब किसी चीज़ को छिपाने का प्रयास की बात है मतलब कि यहाँ पर हो जाएगा डिसगाइज, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाता है। डिसगाइज का मतलब होता है छद्मवेश, ठीक है, डिसगाइज का मतलब क्या होता है, छद्मवेश। तो इस प्रकार से यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाता है। जैसे दोस्तों इसकी हम और भी बात करें तो विल भी हो जाता है, वी ई आई एल विल, और यहाँ पर गाइज ये भी हो जाता है, और आपका क्लॉक भी हो जाता है, सी ओ ए के, क्लॉक भी इसका सिनोनिम्स हो जाता है। तो इस प्रकार से ये भी कुछ इसके सिनोनिम्स निकल कर आ जाते हैं। बताते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट दोस्तों जो हमारा क्वेश्चन यहाँ पर है तो वो है कंक्यूरेंस। कंक्यूरेंस का मतलब क्या होता है, सहमति, इसका मतलब क्या होता है, सहमति। कंक्यूरेंस का मतलब होता है सहमत। तो दोस्तों यहाँ पर सहमत की बात की गई है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एग्रीमेंट, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाता है। इसके कुछ और यहाँ पर अगर हम सिनोनिम्स की बात करते हैं तो आपका हो जाएगा अप्रूवल,
कन्वर्जेंस भी हो जाता है, एक्सेप्टेंस भी इसका सिनोनिम्स के सेंस में यूज होता है। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट दोस्तों जो क्वेश्चन हमारा है तो वह है कीज़। कीज़ का मतलब दोस्तों होता है समाप्त करना या रोकना। तो दोस्तों यहाँ पर रोकना की बात की गई है, कीज़ का मतलब क्या होता है समाप्त करना या रोकना। तो रोकना की बात की गई तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, स्टॉप। ठीक है, तो स्टॉप मतलब ठहरना या बंद करना, एंड भी हो जाएगा इसका, फिनिश भी हो सकता है और डिसकंटिन्यू भी इसका एक सिनोनिम्स हो सकता है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट दूसरा जो क्वेश्चन हमारा है तो वो है कमोशन। कमोशन का मतलब आपका क्या होता है यहाँ पर बता देता हूँ। तो कमोशन का मतलब होता है हो हल्ला या शोरगुल। कमोशन का मतलब होता है हो हल्ला या शोरगुल। शोरगुल इसका क्या हो जाता है, तो जब यहाँ बात की गई शोरगुल की तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा, डिस्टर्बेंस। यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाता है। डिस्टर्बेंस मतलब शांति भंग करना, उपद्रव करना, अशांति फैलाना। तो इस प्रकार से आपका क्लैमर भी इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। कुछ अगर और हम सिनोनिम देखें यहाँ पर तो क्लैमर भी हो जाता है, फ्लूरी भी हो जाता है, एफ एल यू डबल आर वाई फ्लूरी, और आपका हो जाता है कंट्रेटेम्प्स। ठीक है, से स्पेलिंग बता देता हूँ इसका, सिनोनिम्स को और देखें तो कंट्रेटेम्प्स। ठीक है, तो इस प्रकार से ये भी कुछ इसके सिनोनिम्स हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला दोस्तों जो क्वेश्चन हमारा है वो है कल्मिनेशन। कल्मिनेशन का मतलब क्या होता है, कल्मिनेशन का मतलब होता है पराकाष्ठा या चरम बिंदु। तो कल्मिनेशन का जब यहाँ पर बात की गई पराकाष्ठा या चरम बिंदु, तो आप जानते होंगे क्लाइमेक्स इसका एक सबसे बेस्ट सुटेबल इसका जो है सिनोनिम्स हो जाएगा, क्लाइमेक्स। यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाता है। दोस्तों कुछ और यहाँ पर हम सिनोनिम्स की अगर बात करते हैं तो हो जाता है आपका एपोजी भी हो जाता है, ए पी ओ जी डबल ई एपोजी, और एपेक्स भी इसका सिनोनिम्स हो सकता है। तो इस प्रकार से ये भी कुछ इसके सिनोनिम्स हो जाते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट दोस्तों जो हमारा क्वेश्चन है वो है कॉडल। कॉडल का मतलब दोस्तों क्या होता है, कॉडल का मतलब होता है लाल प्यार से परिचर्या करना या देख रेख करना। तो कॉडल का मतलब क्या होता है, लाल प्यार से परिचर्या करना या देख करना। तो इसका मतलब हो जाएगा प्रोटेक्ट, यानी कि रक्षा करना। प्रोटेक्ट का मतलब हो जाता है रक्षा। तो इसके कुछ और सिनोनिम्स हो जाते हैं कॉसेट, और आपका हो जाता है ओवर प्रोटेक्ट, ये भी आपका सिनोनिम्स इसका हो जाएगा। यहाँ पर अगर देखें तो मौली कोडल भी इसका आपका सिनोनिम्स हो जाता है। तो इस प्रकार से ये भी कुछ सिनोनिम्स इसके और हो जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा प्रोटेक्ट कोडल का मतलब यहाँ पर सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला दोस्तों जो क्वेश्चन हमारा है तो है कैंटेंक्रस। कैंटेंक्रस का मतलब दोस्तों होता है झगड़ाओ, चिड़चिड़ा या बिगड़ैल। तो कैंटेंक्रस का यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी क्वेरलसम, यानी कि झगड़ालू। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर रहता है, क्वेरलसम यानी कि झगड़ालू। इसके और अगर हम देखें तो हो जाता है आपका इरिटेबल भी हो सकता है, इरेसिबल भी हो जाता है इसका सिनोनिम्स, और क्रस्टी भी इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। तो इस तरह से इसके कुछ और सिनोनिम्स यहाँ पर हो जाते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट दोस्तों जो क्वेश्चन हमारा है कंसेंसस। कंसेंसस मतलब दोस्तों क्या होता है, कंसेंसस मतलब होता है सहमति या एकमतता। कंसेंसस मतलब क्या होता है, सहमति या एकमतता। तो इसका आंसर हो जाएगा अनैनिमिटी, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है, अनैनिमिटी। यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होता है, समरूपता। अनैनिमिटी मतलब क्या होता है, समरूपता। इसके कुछ और अगर सिनोनिम्स देखें तो हो जाता है आपका अग्रीमेंट भी हो सकता है, कंसेंट भी हो जाता है, मेजॉरिटी भी हो जाता है, यूनिटी भी इसका सिनोनिम्स हो जाता है। तो इस प्रकार से कुछ और भी इसके सिनोनिम्स हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला दोस्तों जो क्वेश्चन हमारा है तो वह है कैजुअल। कैजुअल का मतलब क्या होता है, तो कैजुअल का मतलब होता है चापलूसी करना। कैजुअल का मतलब क्या होता है, चापलूसी करना। यानी कि ऑप्शन नंबर सी फ्लैटर आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाता है। यहाँ पर कुछ और अगर सिनोनिम्स देखें तो आपका हो जाता है ब्लैनरी, स्वीट टॉक भी हो जाता है। तो ये भी कुछ इसके और सिनोनिम्स यहाँ पर हो जाते हैं। नेक्स्ट दोस्तों और अंतिम जो आज के सिनोनिम्स का जो यहाँ पर है तो वो हो जाएगा कंग्रेगेशन। कंग्रेगेशन मीन्स क्या होता है दोस्तों, तो कंग्रेगेशन मीन्स होता है सभा, भक्तगण, भक्त मंडली या संचय। तो इस प्रकार से भक्त के सेंस में यहाँ पर कोई सभा की बात की जा रही है। तो आंसर यहाँ पर आपका जो है सबसे बेस्ट सुइटेबल है मीटिंग, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर यहाँ पर हो जाता है। अगर और भी यहाँ पर सिनोनिम्स की बात करें तो आपका असेंबली भी हो जाएगा, गैदरिंग भी इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये कुछ इसके और सिनोनिम्स हो जाते हैं। तो दोस्तों ये था सिनोनिम्स का पार्ट वन। इसी तरह से ये कंटिन्यू डेली आपको सिनोनिम्स मिलेगा, डेली आपको
एंटरडिंस का वीडियो मिलेगा और डेली आपको वन वर्ड सब्सिट्यूशन का वीडियो मिलेगा, ताकि इन 10 दिनों में आप ऑफिस असिस्टेंट्स के लगभग 200 यानी 600 दिनों में मिला के क्वेश्चंस यहां पर कलेक्ट कर पाएं और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो ज़्यादा थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे जरूर लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, ताकि वो भी इसका बेनिफिट ले सकें। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।